मु शक्ति प्रसाद मु चैनल ओडिया एग्नो क्लासेस को समस्त को स्वागत। भारतीय स्वाधीनता संग्राम को सुभाष चंद्र बोस का अवदान अविस्मरणीय अटे। जो केते जन महापुरुष निजर त्याग बलिदान रे भारतीय स्वाधीनता संग्राम को गौरवमंडित करछन्ती सेमानक मत सुभाष चंद्र बोस अन्यतम। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से गांधी को जथेष्ट सम्मान देउथले सुधा तांकर केतक नीति को से विरोध करथले। जय हिंद और दिल्ली चलो स्लोगान दे सुभाष भारतीय मानक मन में जो उन्मादना सृष्टि कर पारे ता आज पर्यंत प्रत्येक भारतीय मन में अभुला स्मृति भाव रही। सुभाष चंद्र बोस 1897 ख्रीष्टाब्दे जानुरी 23 ओडिशार कटक ठार एक संभ्रांत परिवार जन्मग्रहण करते। पिता जानकीनाथ बोस जन आईनजीवी थे। कटक रेभेन्सा कलेजिएट स्कूल छात्र थिबा समय रे छात्र मानंकु संगठित करी स्कूल हॉस्टल खुदीराम शहीद दिवस पालन करथिले। माध्यमिक शिक्षा समाप्त करी कोलकाता स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज रे दर्शनशास्त्र अध्ययन करथिले। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद और रवीन्द्र ठाकुर प्रमुख महिषी मानंक बाणी द्वारा से गभीर भाव परिचालित होइथिले बा प्रभावित होइथिले। पेनिटो मुसोलिन मुस्ताफा कमाल पासा काउंडी काभोर गुस्सेप गारिबाल्डी लेनिन का भाई महान विप्लवी मानक चिंताधारा और व्यक्तित्व तथा तो अमेरिका स्वाधीनता संग्राम और फरासी राष्ट्र विप्लव बहु प्रभाव पकड़ा। से प्रेसिडेंसी कॉलेज पढ़ुवा समय कॉलेज एक दुर्भाग्यजनक घटना घटना। भारतीय विरोधी ब्रिटिश प्रोफेसर सी एफ वेटेन को थे सुभाष को उपस्थित मार्ड मरगला। यही घटना तो सुभाष आक्रमणकारी नाम प्रकाश कले ना कि निजक निर्दोष बोली सब्यस्त कले ना। यही घटनापाई से क्षमा न मागार 1916 कलेज बहिष्कार करागला। पर अवश्य से कोलकाता स्कॉटिश चर्च कलेज नाम लिखाई थे। सेठारु दर्शन शास्त्र सम्मान में प्रथम श्रेणी स्नातक डिग्री हासिल करते। मनस्तत्व स्नातकोत्तर शिक्षा असंपूर्ण कर 1919 से कैम्ब्रिज चलीगले। 1920 सुभाष आईसीएस परीक्षा चतुर्थ स्थान हासिल कर उत्तीर्ण होते। यह सत्वे से एपरी सम्मानजनक पदवी को प्रत्याख्यान कर स्वदेश को प्रत्यावर्तन करते। 1923 सुभाष भारतीय जातीय कांग्रेस योगदान देले। बंगला प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी संपादक पदवी अलंकृत होते। से महान नेता चित्तरंजन दास को राजनैतिक गुरु भाव ग्रहण कले और प्रेरणा राजनैतिक कार्य कले। 1924 से कलिकता नगर निगम मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी भाव निर्वाचित होते। से उभय बंगला प्रादेशिक कांग्रेस समिति और सर्वभारतीय श्रमिक कांग्रेस अध्यक्ष भाव निर्वाचित होते। असीम साहस और देश प्रेम जो से जनसाधारण अत्यंत प्रिय भाजन हो पारे। विद्रोह और विप्लवात्मक कार्यकलाप को लक्ष्य कर इंग्रेज सरकार 1924 गिरफ्त कले। यार एक वर्ष पर बर्मार मेंडल जेल को प्रेरण कले। 1938 से हरिपुर अधिवेशन भारतीय जातीय कांग्रेस सभापति मनोनीत होते। 1939 गांधीजी विरोध सत्वे से त्रिपुरी अधिवेशन सभापति होते। किंतु यही अधिवेशन परवर्ती समय गांधी सहित मतभेद होवर सुभाष चंद्र कांग्रेस त्याग कर 1939 मे 3 तारीख में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नूतन राजनैतिक संगठन स्थापन कले। 1940 जुलाई 2 तारीख में सुभाष चंद्र बोस गिरफ्त होते और इंग्रेज सरकार द्वारा कोलकाता रे नजरबंदी रूपे रही थे। 1941 भारत इतिहास एक दुस्साहसिक घटना घटी। भारत बाहर रही भारतर स्वाधीनता लड़े करने उद्देश्य सुभाष चंद्र बोस उक्त वर्ष छद्मवेश भारत परित्याग कले। शत्रुर शत्रु आमर मित्र नीति अनुसरण कर से देश बाहर ब्रिटिश शक्ति को आघात करने सिद्धांत नहीं। भारतर शत्रु को परास्त और दमन करने तार शत्रु सहित हाथ मिलाइबा लाभदायक बोली हृदबोध होता। इतिहास से शिक्षा लाभ करते बहिर्शक्तिर साहय बिना कौन सी जाति स्वाधीनता हासिल करें। सुभाष बोस इंग्लैंडर प्रधान शत्रु जर्मानी और जापान समर्थन हासिल करने उद्यम करते। 1941 जनवरी 26 भारत सीमा अतिक्रम कर अफगानिस्तान और सोभियत रूस मध्य मार्च 25 मुसलमान बेसर बर्लिन ठारे पहुंचले। जर्मन सरकार साहय से बर्लिन एक स्वाधीन भारत केन्द्र प्रतिष्ठा कले और फ्री इंडिया आर्मी व स्वाधीन भारत सैन्य बाहन गठन कले। सेठे प्राय 20,000 भारतीय युद्धबंदी एथे सामिल है। भारतीय सेना मानंकु जर्मनी सेनापति माने तालीम देथिले एवं सुभाष ता निरीक्षण करी अभिवादन ग्रहण करथिले। सैन्य मानंक द्वारा अभिवादन स्वरूप जय हिंद ध्वनि व्यवहृत होतला। जर्मनी रे 1941 सुभाष बोस आजाद हिंद रेडियो प्रतिष्ठा करथिले एवं सेहिटारु 1942 फेब्रुवारी 19 प्रथम गुप्त बेतार बार्ता विश्ववासी निमन्ते प्रसारण करथिले।
जर्मानी में सुदूर बर्लिन रु आजाद हिंद रेडियो द्वारा भारतवासी से जो संग्रामी आह्वान जनाइले से भारत जनसाधारण देश प्रेम उद्भूत होते जर्मानी शासक हिटलर देखाकर भारत स्वाधीनता संपर्क साको अनुरोध करते जदिव हिटलर ए संपर्क कौन सी निर्दिष्ट प्रतिश्रुति नाते जर्मानी निरापद भाव जापान को जात्रा करने सुभाष को से साय्य करते जर्मानी भारतीय सीमा ठार बहुत दूर थी संग्राम चलवा यह छड़ा जर्मानी करतृपक्ष केतक कार्य मनरे सन्देह सृष्टि करता से जापान दृष्टि निबद्ध कले सेतेबेले जापान म्यांमार पर्यंत समग्र दक्षिण पूर्व एशिया रे अप्रतिद्वंदी शक्ति थिला जापान को राज्य करी भारतर खूब निकटर ब्रिटिश भारत उपर आक्रमण करबा सहज हो बोली से चिंता करथिले। परवर्ती वीडियो रे आमे जानिबा से किभले बा आजाद हिंद फौज गठन करथिले एवं भारत उपर आक्रमण करथिले। वीडियोटी भल लागथिले वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु।